नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल फैक्ट विद फन में। दोस्तों, मैं आज आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा बताऊंगा। बात है 1954 की। 14 सितंबर 1954 को सेंटियागो फ्लाइट 513 नाम का विमान उड़ान भरता है। उसको 18 घंटे में जर्मनी से ब्राज़ील पहुंचना होता है, किंतु अंटार्कटिका ओशियन के ऊपर उड़ान भरते समय उसका कंट्रोल रूम से संपर्क टूट जाता है, फिर वह विमान गायब हो जाता है। काफ़ी मशक्क़त के बाद, खोज के बाद वह विमान नहीं मिल पाता। धीरे धीरे सब उस हादसे को भूल चुके होते हैं। फिर अचानक 3 दशक बाद 12 अक्टूबर 1989 में वह विमान ब्राज़ील के पोर्टो एलेग्रे एयरपोर्ट पर लैंड करता है। कंट्रोल रूम के अधिकारी पायलट से संपर्क करने की कोशिश करते हैं, किंतु उनका संपर्क नहीं हो पाता। वह फ्लाइट धीरे धीरे रनवे पर लैंड हो रहा होता है। विमान एकदम नया था। कंट्रोल रूम के अधिकारी उस विमान के पास गए। जब उन्होंने उस विमान में देखा तो वह दंग रह गए। विमान के अंदर बाण में कंकाल सीट बेल्ट से बंधे हुए थे, जिनमें 4 क्रू मेंबर थे और 88 यात्री थे। वह उनको देखकर दंग रह गए। फिर उन्होंने धीरे धीरे इसकी खोज की तो पता चला कि यह विमान वही है जो 14 सितंबर 1954 को जर्मनी से हवाई उड़ान भरी थी और 1989 में जब ब्राज़ील में लैंड हुआ है। दोस्तों, आप में से कौन कौन यह विश्वास करता है कि यह विमान समय यात्रा करके लौटा है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलें।